सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको आप किसी को नहीं बताना है, जिनको आपने गुप्त रखना है, तभी आपका पीर आपके पास आएगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान अपने पीरो मुर्शद के पास जाना चाहता है, अपने पीरो मुर्शद से रहमते चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसका पीरो मुर्शद उसकी हर आस मुराद पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे और हमारे घर में खुशियां, बरकत, तरक्की हो और हम अपने पीरो मुर्शद के दर्शन कर सकें, हमारा पीर हमारे पास आए। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें आपके साथ होती है जिनको आपको सदा के लिए गुप्त रखना होगा, किसी को नहीं बतानी होगी। आज उन्हीं बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप पाठ पूजा बंदगी करते हैं, अपने पीरो मुर्शद की उस अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसी बात को गुप्त रखना पड़ेगा। यह बात आप किसी को ना बताएं कि आप अपने पीर और मुर्शद का विरत कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। अगर आपने यह बात हर एक को बतानी शुरू कर दी, जिस दिन आपने बताना शुरू किया उसी दिन आपका किया किराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी और पहली बात, अगर आप बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, तो आपको इस बात को सदा के लिए गुप्त रखना पड़ेगा। आप किसी दूसरे को यह भी नहीं बता सकते कि आप हर रोज कितना समय बंदगी करते हैं, कितना समय नाम सिमरन इबादत करते हैं। इसीलिए जो जो इंसान किसी दूसरे को बताता रहता है, और ज़्यादातर लोग इसी वजह से ही बंदगी में इबादत में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह इन बातों को गुप्त नहीं रखते। इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई किसान अपने खेत में फसल बीजता है, वह अपने खेत को पहले बाता है, सवारता है, फिर उसमें बीज डालता है। आप देखें, जो बीज मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, सबकी आँखों से ओझल हो जाते हैं, वह धीरे धीरे उगने लगते हैं, बड़े होते हैं और उनको फल लगते हैं। और जो बीज मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, सबकी निगाह में आ जाते हैं, उसे पंछी चुग लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं लगता। जो मिट्टी के अंदर चला गया, गुप्त हो गया, वह धीरे धीरे बड़ा भी होया और उसको फल भी लगे और उसकी सिफ्त भी हुई और वह किसी की भूख मिटाने के काम आया। इसी तरह इबादत के साथ भी है। आपके अंदर जितनी इबादत आप कर रहे हैं, वह आपके अंदर रहेगी, वह बढ़ेगी, फूलेगी, उसको फल लगेगा और एक दिन आप अपने पीरो मुर्शिद से जा मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपको बंदगी इबादत करते हुए रस आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपका दिल लग रहा है और आपका दिल ज़्यादा से ज़्यादा इबादत बंदगी करने में लग रहा है, तो यह बात भी आपको किसी को नहीं बतानी है, अपने अंदर ही रखनी है। उस रस को, उस मस्ती को आप दिल से महसूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इबादत में बैठें, उसका आपको बहुत बड़ा सुभाव मिलेगा। इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आप कब उठते हैं, कब बंदगी पर बैठते हैं और कब बंदगी से उठते हैं, आपको रस आ रहा है या आपको रस नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी बात आपको बाहर नहीं बतानी है, आपको गुप्त रखना है। और आगे की बात, अगर आपको आपके पीरो मुर्शद के दर्शन दीदार हो रहे हैं, तो इस बात को भी आपको कभी किसी को भी नहीं बताना है, अपने घर वालों को भी नहीं बताना है और ना ही बाहर किसी को बताना है। आप बहुत ही कर्मों वाले, नसीबों वाले हैं अगर आपको आपके पीरो मुर्शद के दर्शन हो रहे हैं। ये टॉप सीक्रेट बात होती है। यह बात को आप हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर रखें, इसको गुप्त रखें।
नहीं तो जिस दिन आपने बाहर बता दिया फिर हो सकता है कि आपका पीरो मुर्शद वापिस आपके पास ना आए, आपको दर्शन ना दें। इसीलिए अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो इस बात को आप हमेशा के लिए गुप्त रखें, अपने अंदर रखें और उसका मजा लें, रस लें और किसी को यह बात ना बताएं। अगली बात, कई बार जो इंसान बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उनके साथ ये होता है कि वह कुछ सोचने लगते हैं और जब वह सोचते हैं वही चीज़ हो जाती है। जब वह अपने जुबान से कुछ कहते हैं तो वह काम हो जाता है। बहुत बार आप ऐसा अनुभव करते हैं जब आपको पता चल जाता है कि आप जो सोचते हैं वह हो रहा है, जो बोलते हैं वह सच हो जाता है, तो हम बाहर खुशी खुशी बताने लगते हैं कि मैं जो कहता हूँ वह सच हो जाता है, जो सोचता हूँ वह हो जाता है। हम हुब हुब के बाहर लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। जितना आप बाहर बताएंगे उतना ही आपका रस उड़ता जाएगा। जितना आप बाहर इस बात का रौला पाएंगे, लोगों को बताएंगे, उतना ही आपका पीरो मुर्शद आपसे दूर होता जाएगा। और जो रस आपको मिल रहा है, जो मज़ा, जो मस्ती आपको मिल रही है, वह दूर होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए अगर आप जो सोचते हैं वह हो रहा है, जो कहते हैं वह सच हो रहा है, तो इस बात को भी आप गुप्त रखें। आपका पीरो मुर्शद चाहेगा, अल्लाह ताला चाहेगा कि आप बाहर बताएं और लोगों का भला करें, तो वह बात अलग है, वह उसका हुक्म होगा। अपने आप से जे आप चीज़ें कभी किसी को ना बताएं, नहीं तो फिर ऐसा होना सब कुछ बंद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बाद में बहुत पछताएंगे कि जे मेरे साथ क्या हो गया। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें दोबारा जे काम नहीं होगा, वापस वह चीज़ आपके पास नहीं आएगी। इसलिए इस बात को भी आप सदैव ही गुप्त रखें, अपने अंदर ही रखें। एक बात आप और ख्याल रखें कि आप किस पीर का विरद कर रहे हैं, किस कलमा का आप विरद कर रहे हैं, यह बात भी आपको गुप्त ही रखनी है। बस अपने अंदर से ही आप जिस भी पीर बाबा को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, उनकी इबादत करें और उनके कलमे का विरद करें, नाम सिमरन करें और इसको सदैव ही आप गुप्त रखें। आपके साथ कुछ भी हो रहा है आप कभी किसी को ना बताएं, बाहर ना बताएं और इस मस्ती को, इस भंडारे को, इस ज्ञान को अपने अंदर ही रखें। अगर अल्लाह ताला चाहेगा कि आपके जरिए किसी का भला हो, आप किसी के दुख तकलीफ़ों को दूर करें, तो वह अल्लाह ताला की मर्जी है, आपके पीरो मुर्शद की मर्जी है, वह आपसे करवाएगा। अपने आप से आप कभी किसी को कुछ मत बताना, इन बातों का आप ख्याल रखना, नहीं तो फिर आपका पीरो मुर्शद भी आपके पास नहीं आएगा और जो जो आपके पास शक्ति है, ताकत है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने इस बात का पर्दा रख लिया, इसको गुप्त रख लिया, तो आपका पीरो मुर्शद भी आपके पास आएगा और आपकी बंदगी इबादत भी सफल होगी और आप जो चाहेंगे चाहने से पहले ही आपको मिल जाएगा। सो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखना, इन बातों को सदैव ही गुप्त रखना, कभी किसी को ना बताना, इसी में आपका भला है और आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। सो इन बातों पर गौर जरूर करें और इस वीडियो को ज़रा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका पीरो मुर्शद अल्लाह ताला आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।